से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय प्रतिदिन के जीवन का आनंद लो। प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद आप में से बहुतों के जीवन को नियंत्रण में रखे हैं और आप उसे समझ में नहीं पाते। क्या आपकी दूसरों को प्रसन्न करने की चाह ने प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा को दबा दिया है? मेरी पुस्तक अप्रूवल एडिक्शन आपकी इस विषय में सहायता कर सकती है। क्या है वास्तव में स्वीकृति के आदि होना? मेरे लिए आदि होने का अर्थ है जिसके बिना मैं खुश नहीं रह सकती, उसके बिना कोई शांति नहीं और मैं स्थिर नहीं रह सकती और जीवन का मजा नहीं ले सकती हूँ। यदि ऐसा नहीं है तो मैं चिंतित रहती हूँ, मैं आराम से नहीं रह सकती। शायद बहुत से लोग स्वीकृति पाने की इच्छा को आदत नहीं मानते होंगे। मैं वास्तव में अपने जीवन के ऐसे बिंदु पर पहुंची जब प्रभु को मुझे बताना पड़ा कि मैं आदि हो चुकी हूँ दूसरों से स्वीकृति पाने की। मैं असुरक्षित महसूस करती थी जब मैं ये सोचती कि कोई मुझसे नाराज तो नहीं या जो मैं कर रही हूँ उससे वे प्रसन्न नहीं है। बहुत बातें मेरे बचपन से मुझ में आ गई। बचपन में मेरा शारीरिक शोषण हुआ, एक गलत माहौल में बड़ी हुई जहाँ शराब पी जाती थी और मुझे कभी भी स्वीकृति का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अपना बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया और जब मैं युवा हुई, विशेषकर प्रभु से संबंध स्थापित करके, तब मैंने उसकी स्वीकृति हर कार्य में चाही और डरती थी कि मुझे नहीं मिलेगी। और फिर ये भावना दूसरों के साथ संबंधों में भी आ गई। रोचक बात यह है कि सारे संबंधों में नहीं, खासकर पारिवारिक संबंध या ऐसे संबंधों में जिन्हें मैं समझा करती थी कि मुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता है। हम सभी को स्वीकृति चाहिए, इसीलिए इस क्षेत्र में कोई भी असंतुलित हो सकता है। मेरी एक मित्र जो एक बड़ी सेवकाई की अगुवाई हैं, उन्होंने पाया कि वो स्वीकृति पाने की आदि हो चुकी हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। मसीह सेवकाई में हम ऐसी लड़कियों से संपर्क करते हैं जो काफी मेल जोल रखती हैं कि वो कौन हैं और वे अपने जीवन दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जीती हैं, उनके दिखावे के द्वारा, उनके पहनावे से, उनके बोलचाल से। और ये ऐसी परिस्थिति बना देती है जहाँ लोग सच्चे नहीं हैं और प्रभु हमें स्वयं के प्रति स्वतंत्र करना चाहता है। जो बात मुझे अच्छी लगी अप्रूवर एडिक्शन की वो है, मैंने ये सोचकर इस पुस्तक को उठाया कि मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगी और सोचूंगी कि कैसे मैं इन लड़कियों की सहायता कर सकती हूँ, देखती हूँ कि कैसे इसे इन लड़कियों के जीवन में लागू किया जा सकता है। और मैंने वो पुस्तक पढ़ी और ये मुझे मेरे जीवन के विषय में बताने लगी। मैं अपने आप को इस पुस्तक में देखने लगी जब शायद मैंने कुछ निर्णय लिया या दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ बात कही जिनसे अपने भीतर की गहराई में मैं सहमत नहीं थी। और प्रभु ने मुझे बताया कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो जो मैंने तुम्हें बनाया और मैं चाहता हूँ तुम वचन में देखो और जानो कि तुम मुझ में कौन हो और उसमें दृढ़ बनो कि तुम स्वतंत्र रहो ताकि अपनी बात कह सको और आत्मविश्वास रखो अपने सुझावों के लिए, क्योंकि वास्तव में मैं अपनी बातें तुम में डालूंगा जो तुम्हें बांटनी है दूसरों के साथ, जो उन्हें आशीष देंगे। और तुम दूसरों को उखाड़ रही हो, जब तुम वो बातें कहती हो तो वो सभी सुनना चाहते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ यदि यीशु की दह के सभी लोग हॉनेस्ट हैं तो कहें कि उन्हें समस्या थी दूसरों से स्वीकृति पाने की कि वे उनके विषय में अच्छा सोचें। मैं बहुत खुश हूं कि नैन्सी ने मेरी पुस्तक का आनंद उठाया और मैं इसलिए भी बहुत खुश हूं कि दूसरी लड़कियां भी इस पुस्तक का आनंद उठाएंगी। मैं वास्तव में विश्वास करती हूं कि ये एक असंतुलित आवश्यकता जो है स्वीकृति की, एक बड़ा कारण है कि क्यों लोगों के जीवन में भावुक समस्याएं होती हैं। मैं सचमुच में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें कि कहीं आपके जीवन में भी स्वीकृति पाने की आदत तो नहीं है। और आपको उत्साहित करती हूँ कि प्रभु को आपकी सहायता करने दे कि वो आपको इस आदत से बाहर निकाले ताकि आप वो बन सके जो वो चाहता है कि आप बने, कि आप अपने हृदय की सुने और वो करें जो आप समझते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, ना कि ज़्यादा समय दूसरों को हाँ कहने में लगाएं जब आपका हृदय कहता है नहीं नहीं। मसीही लोग दूसरों की मदद करने में जल्दी असंतुलित हो जाते हैं। हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों को प्रसन्न करने वाले नहीं बन सकते। दोबारा सुनिए, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं हो सकते। मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद से एमी मॉक ये समझ गई कि उसके जीवन के ज्यादा समय तक लोग उसे क्या कहते रहे। मेरे मित्र ने पूछा इस पुस्तक के बारे में क्या सोचती हो, तो मैंने सोचा ठीक है कि मेरे जीवन में कुछ बातें हैं परंतु मैं नहीं समझती उसे आदत कहूँ, यह मुझे मजबूत लगती है।
इस पुस्तक को पढ़ने में और देखना कि ईमानदारी से कैसे मेरे जीवन का हर भाग कैसे दूसरों को प्रसन्न करने में लिपटा हुआ है, मैंने ये एहसास किया कि ये सही में एक आदत है। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मेरे जीवन में एक बड़े पैमाने में है। आप जानते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जब मैंने देखा, मैं विश्वास नहीं कर पाई कि वो समस्या दूर जा चुकी थी। बहुत बातें जो मैंने की थी मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं इसे स्वीकृति की समस्या नहीं मानती। परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा ये परिणाम था लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश का, और ये समस्या दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश के कारण आई। पीछे देखने पर मुझे ये लगा कि मैंने अपना जीवन गिरगिट के समान बिताया। जहाँ भी मैं थी, मैंने दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। फिर व्यभिचारिता का क्षेत्र मैं कभी ना नहीं कह सकी, और इसका परिणाम हीनता की गहरी भावना को उत्पन्न करता था, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करती थी। उन दिनों में एक मसीही थी और मैं जानती थी क्या सही है, परंतु मैं उस बात पर बनी नहीं रह पाती थी, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं, ना कि प्रभु को प्रसन्न करना। जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी किया जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, वो थी कि कैसे स्वीकृति पाने की आदत दूसरों को चोट पहुंचाती है, क्योंकि आप लगातार सिर्फ लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं। और जब आप जानते हैं कि आपके परिवार के लोग आपसे प्रेम करते हैं, तो आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए चिंतित नहीं होते हैं। इसी कारण कई बार दूसरों को प्रसन्न करने की दौड़ में हम अपने मित्र और परिवार वालों को चोट पहुंचाते हैं, और ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। मुझे बहुत क्षमा चाहिए, मुझे अपने मित्र और परिवार के लोगों के साथ फिर संबंध स्थापित करना है। यदि मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो लगभग 99% बातें जो मेरे जीवन की हैं, जो मेरे जीवन का और परिवार को नुकसान पहुंचा रही हैं, केवल दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश के कारण आई हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत से क्षेत्र जिनमें मुझे प्रकाशन मिला, परंतु जो मूल और बड़ी बात थी मेरे लिए, वो ये कि एक दिन मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है और ये जानना कि मैंने उसे प्रसन्न किया है। सचमुच में प्रभु को प्रसन्न किया है मैंने, और ये बात लोगों को बतानी है। एमी आज हमारे साथ हैं। स्वागत है एमी। धन्यवाद, धन्यवाद बुलाने के लिए। ऐसा लगता है मेरी पुस्तक से आपको मदद मिली। हाँ, सचमुच मैं बता नहीं सकती कि कितनी, जब मैंने पुस्तक पढ़ी मैंने सोचा मुझे एहसास नहीं हुआ ये मैं हूँ। मुझे ये कभी एहसास नहीं हुआ कि ये पाप है और गलत है, और सारा कष्ट जो मैंने अपने आप को और परिवार को पहुंचाया जब तक मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी। मुझे सचमुच ऐसा लगा कि इस पुस्तक को अप्रूवल एडिक्शन कहूँ, परंतु ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आदत शब्द के लिए सोचते हैं, हो सकता है मुझे इस कार्य से तकलीफ होती है, परंतु मैं नहीं सोचता मैं इसे आदत कहूँ। मैंने देखा कि आपने कहा कि आपको भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि आपने कहा था कि हाँ आदत मैं नहीं जानती। हाँ, मैंने कहा था, परंतु आप जानती हैं बहुत सारी मुश्किलें थी, और जो शब्द मेरे दिमाग में आता था वो था चक्कर। लगातार चक्कर लगाती सबको प्रसन्न करने के लिए, परंतु आप सही हैं, मेरे अंदर शांति नहीं थी जब तक मुझे नहीं लगता हाँ। कि सब प्रसन्न है। मैं अपने एक मित्र को बता रही थी कि मुझे आराधना समूह के परीक्षण का अगुवा बनाया, और बहुत लोग इसमें आए। मैं जानती थी कि बहुत से हैं जिन्हें परमेश्वर से ये वरदान प्राप्त नहीं है, परंतु मैंने हर एक को चुना। मैंने कहा हम सभी इसमें होंगे, क्योंकि मैं किसी को ना नहीं कह सकती थी। इसलिए अंत में मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं दूसरों से ना नहीं कह सकती थी, और बार 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 मेरे जीवन में ऐसा होता रहा। क्या ये सही नहीं है एमी कि यदि हम आरंभ में सत्य ना कहें तो हम अंत में सचमुच एक बहुत ही बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं, और कोई ना कोई हमसे नाराज हो जाता है। हाँ, वे करते हैं, परंतु मैंने भी मूर्खता की ये सोचकर कि मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं 2 अपॉइंटमेंट एक ही दिन रखती हूँ ये सोचकर कि कर लूंगी, परंतु अंत में एक को मुझे दुखी करना पड़ता है। हमेशा जब मैं पीछे देखती हूँ उन भारी गलतियों को जो मेरे द्वारा संबंधों में आई,
करीब एक वर्ष पहले सचमुच में ऐसा मेरे दिल में आरंभ हुआ। मुझे एक ईमेल मिला मेरे मित्र से और उस सबसे कटु वचन जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने, और वो बदलाव का बिंदु था। जब उसने कहा, तुम्हें अपने आप को बचाना था और तुमने मुझे चोट पहुंचाई, उसने मुझे विंप कहा वो ईमानदार थी। फिर उसने मुझसे कहा कि ये एक अच्छी पुस्तक है और मैं सोचती हूँ तुम्हें इससे सहायता मिलेगी, और इस प्रकार प्रकाश मेरे जीवन में आया। एमी, हम वास्तव में अच्छे मित्र नहीं बन सकते यदि हम सत्य ना कहें, है ना? यदि मैं आपसे वही कहूँ जो आप सुनना चाहती हैं और कहूँ कि आपकी मदद करूँगी और अपने हृदय में सोच रही हूँ कि ओह काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो मैं आपकी एक अच्छी मित्र नहीं हूँ। हमें ईमानदार बनना है ना? हाँ, परंतु आप जानते हैं शैतान ने मुझे इतना धोखा दिया कि एक मसीही स्त्री होने के नाते यदि मैं सबके लिए सब कुछ ना करूं और यदि सबके प्रति अच्छी ना रहूं तो मैं अपनी गवाही को चोट पहुंचा रही हूं। और आप प्रेम में भी नहीं चल रही थी? हाँ, और मैं दूसरों को चोट पहुंचा रही थी और इस कारण मैं अपनी गवाही को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, ये सोचकर कि दूसरों को नहीं कहना मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ समझती थी। इसने मेरी आंखें खोल दी कि ये शैतान का झूठ है और प्रभु नहीं, वो मैं थी जो अपने को जला रही थी और अपने मित्रों और परिवार वालों और स्वयं को भी चोट पहुंचा रही थी। ये बात सब लोग जानते थे क्योंकि मैं जानती थी वे मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि जो मुझे नहीं जानते थे वे जाने कि मैं क्या थी। और अब आप छुटकारे के नस्तर का अनुभव कर रही हैं? हाँ, ये एक नई पुस्तक है मेरे लिए और इसकी एक भिन्न विचारधारा है। मुझे हर एक बात पर सोचना पड़ता है कि क्या मैं ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ या लोगों को। हमें अपने आप से ये पूछना है। देखते रहें, क्योंकि जब हम वापस आएंगे हम जानेंगे कि एमी ने इन आदतों को छोड़ने के लिए क्या योजना बनाई थी, और हमें कैसे व्यक्ति से मिलेंगे जो बहुत दूरियों तक गया अपने जीवन में स्वीकृति के खालीपन को भरने के लिए। मैं एमी मॉक से बात कर रही हूँ, जो कहती हैं स्वीकृति पाने की आदत ने उनके जीवन को खराब कर दिया। एमी, हम अच्छा समय बिता रहे हैं स्वीकृति पाने की आदत के विषय में बात करके। सदृश आत्मा है। जब मैंने ये जाना कि आप भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरे जिनमें से मैं गई, और जिस छुटकारे की बात आपने की उसी को मैं जानना चाहती हूँ। लाखों लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इन बातों से गुजर रहे होंगे। कुछ शायद ये जानते भी हो कि क्या करना है और कुछ शायद न जानते हो, परंतु हम दोनों ने अंगीकार किया कि हमें स्वीकृति पाने की आदत थी, इसलिए हम बातें करते हैं कि कैसे इसे छुटकारा पाया जाए। जब प्रभु आपको बताने लगा कि आपको इस क्षेत्र में समस्या है, तो आपने इसे छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठाए? सबसे पहले मैंने ये पुस्तक पढ़ी, उसी ने आरंभ में प्रकाशन दिया। फिर बहुत से प्रश्न मेरे अंदर थे। मैं जानती थी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन में कार्य कर रही थी, क्योंकि प्रभु से सहायता मांगी थी, क्योंकि मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती थी। मैं उसके सम्मुख खड़े होना और जानना चाहती हूँ कि मैंने उसे प्रसन्न किया, इसलिए मैंने बहुत प्रार्थना की। मैं सोचती हूँ जो लेखा मुझे देना है उसका एक बड़ा महत्व है। मेरे पति, मेरे मित्र जिन्हें मैं जानती हूँ, वे मुझसे लेखा लेना चाहेंगे और ये मेरे बदलाव में मेरे सहायक बने। मुझे देखना था कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि मैं जानती थी ये एक रात में नहीं होगा। क्या आपके लिए ये आसान था? आराम नहीं, मेरे लिए आसान नहीं था, और आज भी कुछ संबंधों में ऐसा समय आता है जब मैं जानती हूँ कोई मुझसे हाँ सुनना चाहता है, या वे चाहते हैं कि मैं उन्हें वो करने दूँ या वो दे दूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे हृदय में, और फिर भी मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती, उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वे सोचें मैं अच्छी नहीं हूँ, और इसलिए मैं आज भी ऐसी परीक्षा में पढ़ती हूँ जो बात मैंने पाई और जो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे वो करना है जो मैं जानती हूँ मेरे हृदय में कि सही है, ना कि जो मुझे करने की इच्छा होती है, ना वो कि जो दूसरों को अच्छा लगे, और ना ही ये कि जो मुझे कुछ क्षण के लिए अच्छा लगे परंतु बाद में मुझे उससे दर्द हो। इसीलिए मैं अभी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके दुख लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ऐसा कहने से मेरा अर्थ है कि बाइबल कहती है यदि तुम प्रभु की इच्छा पूरी करने के द्वारा शरीर में दुख उठाने को तैयार हो, तब तुम स्वतंत्र हो और पाप नहीं कर रहे हो। परंतु इस निर्धारित क्षेत्र में यदि हम वही करें जो हमें करना है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, तो हम उस बात में प्रभु की आज्ञा मानते हैं। मैं सोचती हूँ कि सभी अपने आप को चोट खाने से बचाते हैं,
परंतु अंत में चोट खाते हैं और ये आसान नहीं है जब आप नहीं कहते ये जानती हुए कि आपको हाँ कहना है। नहीं, और मैं खुश हूँ ये सुनकर कि ये कार्य है और ये कठिन है और सरल नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ शैतान ये कोशिश करता है कि हम सोचें कि जब हम प्रभु के लिए जीते हैं तो ये सरल है और सही कार्य करना भी, और ये बिल्कुल विपरीत है कम से कम मेरे लिए जब मैं वो करती हूँ जो प्रभु चाहता है। मेरे लिए इस पुस्तक को पढ़ना ऐसा ही था, ये आसान नहीं था, परंतु मैं जानती हूँ प्रभु मुझे सामर्थ्य देगा ये सब करने के लिए और मुझे पूरी रीति से बदलने में। ये सिर्फ आसानी नहीं अमी, परंतु ये एक क्रिया है जिसमें समय लगता है। हम कई साल इन बंधनों में निकाल लेते हैं और फिर सोचते हैं क्योंकि हमने ये पुस्तक पढ़ी, थोड़ा प्रकाशन पाया, हम कुछ अच्छे निर्णय लें और अब सब कुछ समाप्त हो गया, तब हम थोड़े इसके आदि हो जाते हैं यदि एक साल बीतने पर भी हमें उसी बात का सामना करना पड़े। परंतु बाइबल गलतियों 5 में कहती है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। मैं कभी कभी पाती हूँ कि मैं किसी बात में और बेहतर हो सकती हूँ और फिर मैं नहीं जानती क्या होता है, हम दूसरे विषय में सोचने लगते हैं या परमेश्वर किसी और विषय में हमसे बात करता है और फिर बाद में हमें ये आभास होता है कि मैं शायद इस बात में पिछड़ गई हूँ, और फिर पवित्र आत्मा उस बात को मेरे हृदय में डालता है और फिर मुझे उस पर थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि छुटकारे के इस कार्य में आप पूर्ण रूप से निराश हो जाएं यदि एक ही बात को आपको बार बार और बार बार करना पड़े। मैं जानती हूँ कि वचन को याद करना एक भिन्नता लाता है जब आप वचन याद करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे जीवन के इस क्षेत्र में कमजोर थी, उन बातों को निकालने के लिए जो जीवन भर से मेरा हिस्सा थी। मुझे परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर स्थापित करना होगा और जानना होगा ताकि जब भी कोई परीक्षा आए तो मैं वचन को बोल सकती हूँ। सही कहा। और मैं जानती हूँ प्रभु मेरी सहायता करेगा। एक और बात सहायक हो सकती है कि यदि आप इस पुस्तक के कुछ भागों को समय समय पर पढ़ें, खासकर जब आपको लगे कि इस क्षेत्र में आप कमजोर हैं। मेरे साथ अभी एक खास बात हुई, मैं व्यायाम करने में संघर्ष कर रही थी क्योंकि मुख्य बात ये थी कि कई दिनों से मैं व्यायाम नहीं कर रही थी। तो जब आपको समय तक इसे ना करे तो आपका शरीर बाद में उसे करना नहीं चाहता। हाँ, ये सच है। और मैं जानती थी कि मुझे व्यायाम करना जरूरी है, प्रभु इस विषय पर मुझसे बात कर रहा है और मैं प्रार्थना करूंगी, और कुछ नहीं हुआ। 2 मील चलने के विचार भी जैसा था कि जैसे मैंने एक पुस्तक के कुछ भाग को पढ़ा जो व्यायाम के विषय पर था, और तब से मैं व्यायाम करती हूँ। और ये सोचकर आज मुझे अच्छा लगता है, वाओ, ज्ञान को लेने की सामर्थ और अपने विचारों को नया करने की सामर्थ पढ़ने के द्वारा जिससे आपको मदद मिले। हालांकि वो कोई आत्मिक पुस्तक नहीं थी, मैंने सोचा यदि वो मुझ पर इतना प्रभाव डाल सकती है। आज सुबह मैंने सोचा, आज ऐसा क्या भिन्न है कि मैं व्यायाम करना चाहती हूँ। मैं 2 मील चलना चाहती थी ताकि मेरा पसीना बहे, मैं गहरी सांस लेना चाहती थी। मेरे लिए कठिन समय था अपने आप को व्यायाम करने के लिए तैयार करना, और एकदम मुझे स्मरण आया क्योंकि मैंने उस जानकारी को पढ़ा था, और मेरे भीतर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे विश्वास होने लगा कि यदि लोग इस पुस्तक को पढ़ें तो ये केवल उनकी आंखें ही नहीं खोलेंगी, परंतु मैं सोचती हूँ जब वे दोबारा भी इसे पढ़ेंगे तो ये उन्हें मजबूत करेगी कि सही कार्य करें। आप बिल्कुल सही हैं। जब मुझे वो कठोर ईमेल मिला और मैं जानती थी मेरे साथ समस्या है, परंतु जब मैंने पुस्तक को पढ़ा तब मैंने देखा कि मेरे जीवन में कितनी गहराई से वो है और उसका इलाज और उससे बाहर निकलना मुझे पता लगा। यदि लोग समय निकाल कर इसे पढ़ें तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा। बिल्कुल सही कहा। स्वीकृति की आदत आपके जीवन में गहरी समस्या ला सकती है। केन जॉनसन का जीवन नशे, शराब और अश्लीलता में फंस चुका था, सब कुछ बस स्वीकृति की चाह में। ये पुल बताता है केन जॉनसन ने पूरी जीवन भर कैसा महसूस किया, टूटा हुआ, अलग तलग। मेरे पिता शिष्टाचार में बड़े कठोर थे। वो कहता है वो एक धार्मिक परिवार में बड़ा हुआ जो गलत शिक्षा देते थे। परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव था, मुझे धर्मी बनना था, तभी मैं परमेश्वर के पास आ सकता और वो मुझे ग्रहण कर सकता था। हर गलत चुनाव केन के डर की पुष्टि थी। वो अयोग्य महसूस करने लगा, वो स्वीकृति खोजने लगा, खासकर प्रभु की। मैं विश्वास करता था कि प्रभु मुझसे बहुत घृणा करता है, वो मुझे नरक में डालना चाहता है। मैं पूरे मन से यही विश्वास करता था।
10 साल की आयु में केन कहता है उसने अपने पिता को अश्लीलता में पाया, जिसने उसे भी निगल लिया। मैंने कई वर्ष अश्लीलता का पीछा करने में बिताए और अंत में वो भयानक हो रहा था, और फिर मैं दूसरी स्त्रियों और वेश्याओं से शारीरिक संबंध स्थापित करने लगा। ऐसा नहीं था कि मैं हवस का भूखा था, और बहुत सी बार तो मैं यही चाहता था कि वे मेरे पास बस लेटे रहें, और मैं हमेशा चाहता था कि कोई बस मुझसे प्रेम करे। मैं तो बस चाहता था कि कोई हमेशा मुझसे प्रेम करे। शराब और नशे की लत उसके जीवन में हाई स्कूल से आरंभ हुई। ये एक और कोशिश थी अपनापन पाने की। परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता था, मैं खुद से प्रेम नहीं करता था, और मैं नहीं सोचता था कि कोई मुझसे प्रेम करता है, और मैं हमेशा पूरी शक्ति से ये प्रयास करता था कि लोग मुझे स्वीकार करें। कई ऐसे समय थे जब उसने प्रभु को खोजना चाहा, परंतु हर बार वो परीक्षा में पड़ जाता, और केन के लिए ये बात की पुष्टि होती रही जो उसका विश्वास था कि वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, और इसी कारण वो दूसरों को खोजने लगा जो उससे प्रेम करें। बस मेरे साथ भले रहो कृपया, कृपया नाराज ना हो। आप जानते हैं क्या सब है मेरे पिता के बारे में रहा, और मैं विश्वास करता कि प्रभु ऐसे देखते हैं। जब केन ने जॉयस की पुस्तक अप्रूवल एडिक्शन देखी, वो जानता था उसे वो पढ़नी है, परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये पुस्तक उसका जीवन बदल देगी। मैंने उन बातों को देखा जो जॉयस ने उस पुस्तक में लिखी थी। उसने वहाँ लिखा था कि पहली बात तो यीशु में हमें अपनी जगह ढूंढना है, और केवल उसी में हमारी धार्मिकता और हमारा जीवन है। आपको नियंत्रण करने के सामर्थ्य को तोड़ने संबंधित पाठ, अस्वीकृति से आगे बढ़ना और स्वयं से प्रेम करना, इन बातों ने केन को एक नया दृष्टिकोण दिया और यीशु के प्रेम के लिए। ये सब उस बात से संबंध रखता है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। वो संबंध जो मेरा परमेश्वर से है, उसने मुझसे मेरे पाप की गहराई में भी प्रेम किया, मेरे टूटेपन शर्म और स्वयं की घृणा की स्थिति में भी उसने मुझसे प्रेम किया। आज केन उस टूटे हुए पुल जैसा नहीं है, उसकी वापसी की यात्रा चल रही है, और उसके सलाहकार बताते हैं कि जब से उसने अप्रूवल एडिक्शन पढ़ी है वो एक भिन्न व्यक्ति है, और इन सब वर्षों में वो अब जीवन का आनंद उठा रहे हैं जो एक समय में वो सोचते थे कि पाना असंभव है। अब वो जानते हैं कि वो एक सुंदर वरदान है। जब मैं बुरी परिस्थिति में था तब उसने मुझे ढूंढा और मुझसे प्रेम किया। जब मैं बदतर स्थिति में था, जब मैं बुरी परिस्थिति में था और कोई मुझे अभी उससे अलग नहीं कर सकता है कुछ भी। केन की एक सामर्थ्य गवाही है, और वो बार बार कह रहा था उसकी परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत के विषय। हम बातें करते हैं लोगों को प्रसन्न करने की, परंतु हम प्रभु को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं, और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।